नमस्कार दर्शकों, दुर्गा विसर्जन की अवधि महज 2 घंटे 14 मिनट की ही है। दसवीं तिथि का समापन 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे होगा। दर्शकों, दुर्गा विसर्जन 26 अक्टूबर को यानी कि आज हो रहा है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर दुर्गा प्रतिमाएं पांडालों में स्थापित की जाती हैं, फिर उन्हें दशहरे के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त सुबह 6:29 से शुरू होगा। सुबह 8:43 तक विसर्जन का मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। दुर्गा विसर्जन की अवधि महज 2 घंटे 14 मिनट की ही है। दसवीं तिथि का समापन 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे होगा। 26 अक्टूबर रात 1:28 से श्रावण नक्षत्र लग जाएगा। बंगाल में कल यानी कि एकादशी को सिंदूर खेला भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं दुर्गा मूर्ति विसर्जन और विजयदशमी पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। दर्शकों, सुबह 26 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो सुबह 6:30 से 8:35 तक दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त बहुत शुभ माना जा रहा है। फिर उसके बाद सुबह 10:35 से 11:30 तक विजयदशमी पर खरीदारी का मुहूर्त, दोपहर 1:30 से 2:30 तक, दोपहर 2 से 2:40 तक और दोपहर 3:45 से 4:15 तक। सिंदूर खेला, ये क्या है? दशमी पर सिंदूर खेला की परंपरा सदियों से चली आ रही है। खास तौर से बंगाली समाज में इसका बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा साल में एक बार अपने मायके आती हैं और वह अपने मायके में 10 दिन रुकती हैं, जिसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। सिंदूर खेला की रस्म पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पहली बार शुरू हुई थी लगभग 450 साल पहले। वहाँ की महिलाओं ने माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा के बाद उनके विसर्जन से पूर्व उनका श्रृंगार किया और मीठे व्यंजनों का भोग लगाया। खुद भी 16 श्रृंगार किया। इसके बाद माँ को लगाए सिंदूर से अपने और दूसरी विवाहित महिलाओं की मांग भरी। ऐसी मान्यता थी कि भगवान इससे प्रसन्न होकर उन्हें सौभाग्य का वरदान देंगे और उनके लिए स्वर्ग का मार्ग बनाएंगे। तो दर्शकों, ये थी दुर्गा पूजा से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।